तो बच्चों देखो मैंने डायग्राम बना लिया है यहाँ पर ना, यहाँ पे 6 था। अब ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक पूरा 6 था। अब ये 4 है तो मैं यहाँ पर इसको मैंने कट कर दिया, तो ये भी 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो मैंने इसको यहाँ से स्लाइस कर दिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, देखो पहले मैं ना इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, और फिर मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। तो देखो ये पहला होगा, ये सेकेंड होगा, ठीक है। तो मुझे टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड मैं कर दूंगा, तो मेरे पे टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखो पहले वॉल्यूम निकालता हूँ मैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और पहले का लेंथ क्या है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक है 4, ब्रेथ है मेरा 2, और हाइट भी मेरी कितनी है बच्चों, 2 ही है। प्लस देखो लेंथ है मेरा कितना, लेंथ है मेरा 4, ब्रेथ है मेरी 2, और हाइट है मेरी पूरी 6। तो देखो बच्चों अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 4 2 8 2 16, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा कितना, नहीं बच्चों ये देखो यहाँ पे कुछ गलती हो गई, देखो ये लेंथ है, ब्रेथ भी मेरी, ब्रेथ है मेरी, हाँ बच्चों देखो यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पे 4 इंटू 4 होगा, तो लेंथ और ये ब्रेथ है देखो 4 इंटू 4 इंटू 2 होगा, तो देखो ये होगा 16 इंटू 2। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा आपका 32 प्लस 4 2 8 इंटू 6, और मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो बच्चों आ जाने वाला है मेरा आंसर। तो देखो अब इसको मैं कर लेता हूँ, 32 प्लस ये हो जाएगा बच्चों कितना, 48, और इन दोनों को मैं ऐड करूंगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये देखिए इन दोनों का वॉल्यूम है, मैंने यहाँ से काटा ना, तो देखो ऐसे करके काटना है आपको कि दोनों का वॉल्यूम सही हो। तो देखो ये पहला वाला पार्ट मैंने कर लिया, सेकंड वाला करता हूँ।